नमस्कार दोस्तों, गौरव पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों हम खड़े हुए हैं छतरपुर के एक प्रसिद्ध मंदिर मोटे के महावीर धाम के ठीक सामने। आप देख सकते हैं भव्य दरवाजा जिसके ऊपर हनुमान जी महाराज विराजमान है। एक ओर यह रास्ता जाती है सागर रोड की ओर, दूसरी ओर जस्ट बगल में यह अदालत छतरपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और ठीक सामने मोटे के महावीर का मुख्य दरवाजा। दोस्तों आप देख सकते हैं, आप गुंबद के दर्शन कीजिएगा और शिखर के भी दर्शन कीजिएगा। कितना सुंदर भव्य यहाँ का शिखर और कलश है। श्री मोटे के महावीर मंदिर समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है। कितना सुंदर मंदिर, बहुत ही जागृत मूर्ति यहाँ की, जहाँ पर सभी लोगों की मनोकामना पूरी होती है। यह ठीक सामने आप यहाँ पर स्वच्छ और ठंडा पानी पी सकते हैं। यह परिसर बाहर का, जहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पर ठीक सामने आप देख सकते हैं खिचड़ी का वितरण होता है, जो प्रतिदिन सुबह से होता है। तो दोस्तों चलते हैं और घंटे के नाद से मंदिर में प्रवेश करते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर भव्य मंदिर। यहाँ पंडित जी प्रतिदिन सभी भक्तों को चरणामृत बांटते हैं। ठीक सामने आशीष जी हैं, जो प्रतिदिन मंदिर आते हैं, हमारे साथ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे भक्तगण आरती कर रहे हैं, सुंदरकांड कर रहे हैं। और ठीक सामने आप देख सकते हैं हनुमान जी महाराज, श्री मोटे के महावीर बब्बाजू महाराज विराजमान हैं, जो उनके दर्शन करने वाले की और उनकी स्तुति करने वाले की समस्त प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग नमन। दोस्तों इस मंदिर की एक बहुत पुरानी कहानी है। कहा जाता है इन हनुमान जी महाराज की स्थापना बिजावर में होनी थी, जहाँ के राजा, बिजावर के राजा ने इस हनुमान जी महाराज की मूर्ति मंगाई थी। लेकिन उस समय पर यह जब बिजावर जा रही थी तो छतरपुर से यह मूर्ति गुजरी। गुजरते समय यह मूर्ति उस समय पर बैलगाड़ी में पीछे रखी हुई थी। कहा जाता है कि यह मूर्ति यहाँ पर से निकली और यहीं पर स्थित हो गई और यहाँ से फिर नहीं हिली। यह हनुमान जी महाराज की मूर्ति, जिसको छतरपुर में मोटे के महावीर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आप छतरपुर निवासी हैं तो बिल्कुल यहाँ आइएगा और हनुमान जी महाराज के दर्शन कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। मोटे के महावीर हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी प्रकार के ब्लॉग देखते रहना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पर। अगर आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें। इसी आशा के साथ आप सभी को सादर वंदे मातरम।